वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनुज कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स का यूनिट सेकंड चैप्टर 6 उपसमीकरण लेकर आया हूँ। उपसमीकरण में सिमल्टेनियस इक्वेशंस। दोस्तों, उपसमीकरण इसमें हम मीनिंग और मेथड्स के बारे में जानेंगे और इसमें एक एक करके मैं इसकी मेथड के बारे में आपको आगे बताऊंगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन अवश्य दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। यूनिट सेकंड चैप्टर 6 सिमल्टेनियस इक्वेशंस, उपसमीकरण। उपसमीकरण ऐसे समीकरण होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक चर मीन्स अज्ञात पद होते हैं। चर मीन्स अज्ञात राशियां एक्स और तथा वाई आदि होते हैं, और प्रत्येक समीकरण अज्ञात राशियों के एक ही मान या वैल्यू से संतुष्ट हो जाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक समीकरणों में अज्ञात राशियों का मान एक समान हो, अर्थात एक समीकरण में x का मान जो मान है वही दूसरे में, तीसरे में और चौथे समीकरण में हो। उसी प्रकार जो मान y का पहले समीकरण में है वही मान दूसरे में, तीसरे में और चौथे समीकरण में हो। ऐसे दो या दो से अधिक समीकरणों को उपसमीकरण कहते हैं, या ऐसे दो या दो से अधिक समीकरणों का समूह उपसमीकरण कहलाता है। अब उपसमीकरण मीन सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने की मेथड दोस्तों, तो यहाँ पर 5 मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपकी मेथड होगी विलोपन विधि, जो कि आपके 10th लेवल पर 10th में भी आप इसका यूज करते हैं, 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काम आते हैं, तो इसलिए ये वीडियो 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी होने वाला है। तो फर्स्ट मेथड विलोपन विधि मीन्स एलिमिनेशन मेथड। सेकंड होगी प्रतिस्थापन विधि मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड होगी तुलनात्मक विधि कंपैरिजन मेथड। फोर्थ होगी वज्रगुणन विधि मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। एंड लास्ट फिफ्थ मेथड होगी रेखा चित्र विधि ग्राफिकल मेथड। तो दोस्तों, इस तरीके से ये 5 मेथड कंप्लीट हो जाती है। अब एक एक करके मैं इन मेथड से सम को कैसे सॉल्व करना। फर्स्ट विलोपन विधि है, तो विलोपन विधि में समीकरण एक या समीकरण दो दोनों में से किसी एक ऐसी संख्या का गुणा किया जाता है, मैं दो में से किसी एक ऐसी संख्या का गुणा किया जाता है जिसमें दोनों समीकरणों के किसी एक अज्ञात पद x या y का गुणांक समान हो जाए। इसके बाद यदि समान गुणांक वाले दोनों पद धनात्मक हों तो समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर, तथा यदि कोई एक पद धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक हो तो समीकरणों को छोड़ने पर अज्ञात पद का मान ज्ञात हो जाएगा। अब इस अज्ञात पद का मान
किसी भी समीकरण में रखने पर दूसरे पद का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ब्लूपन विधि द्वारा मीन्स एलिमिनेशन मेथड से हम एक एग्जांपल इसका सॉल्व करने वाले हैं। 6x प्लस इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट बाय एलिमिनेशन मेथड ब्लूपन विधि द्वारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 28 8x माइनस 5y इज इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इक्वेशन में कोई भी चर राशि, यहाँ पर चर मीन्स होगा x वाला पद, x यहाँ पर चर है क्योंकि अननोन वैल्यू जो होगी उसे हम चर कहेंगे। यहाँ पर y चर राशि, अब यहाँ पर कोई भी नंबर x वाला या y वाला आपस में यदि इक्वल ना हो तो आपको इसको क्या करना है, इक्वेशन में किसी ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट में या सेकंड में, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी एक चर राशि को बराबर कर लेते हैं। अब चूंकि इसमें y वाला पद पहले से ही बराबर है, जब इसमें y वाला पद पहले से अपने को इक्वल दे रखा है तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करते हैं कि जब अब इक्वल तो है साथ में इसका साइन देखते हैं, जब दोनों साइन प्लस के होंगे तो हम यहाँ करेंगे क्या, घटाने पर यानी कि माइनस करने पर, और जब दोनों साइन डिफरेंट होते हैं एक प्लस का जो नंबर सेम है उसके सामने के साइन देखते हैं, जब ये दोनों साइन डिफरेंट हो गए एक प्लस एक माइनस होगा तो जोड़ने पर। अब यहाँ पर जोड़ने पर किया, सेम पद जो होगा उसको हम कट कर देते हैं, 5y से 5y कट जाएगा, इन दोनों को कर देंगे प्लस तो होगा 14x और 28 प्लस 14 विल बी 42। अब दोस्तों यहाँ पर x चर और अचर राशि, ये अचर राशि और ये चर राशि, इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। ऐसे केस में हमें चूंकि चर की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, तो x तो यहाँ लिखना है फर्स्ट, और ये जो नंबर है वो चला जाएगा कहाँ, अपॉन में, तो 42 अपॉन 14, 14 के टेबल से इसे काटते तो 3 टाइम में आएगा, 14 3 42 रिटर्न में आ गया, तो x की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, x इज इक्वल टू 3। अब आगे करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम नोट डाउन कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x के प्लेस पर x की वैल्यू पुट करना, 6 का 6 x के प्लेस पर वैल्यू x की 3 होगी, और प्लस 5y नोट डाउन किया इक्वल टू 28 सेम। अब 6 3 18, 5y इज इक्वल टू 28, 5y इज इक्वल टू 28। अब हमें क्या करना है कि ये 6x प्लस 5y इक्वल टू 28, यहाँ पर 8x माइनस 5y इक्वल टू 14। यहाँ अपने पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, लेकिन यहाँ मेथड का यूज हम करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, कौन सी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम कहेंगे प्रतिस्थापन विधि, कौन सी मेथड है ये, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन, जब इसी सम को हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं तो भी दोस्तों आंसर आपका आ जाता है, किसी भी मेथड का आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको करना क्या है, किसी एक इक्वेशन को लेना है, सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया और जब फर्स्ट इक्वेशन इसमें लूंगा तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन मेरे को लेना है कोई, तो फर्स्ट इक्वेशन में करना क्या है, मुझे
इसमें सपोज यहाँ पर आपका फर्स्ट इक्वेशन दिया है कितना 6x, यहाँ पर क्या दिया है 6x प्लस 5y इक्वल टू 28। अब इसमें किसी एक नंबर को, जैसे मैं यहाँ पर 5y को यहाँ छोड़ देता हूँ, 5y इज इक्वल टू 28, तो 6x इस साइड पक्षांतर करने पर हो जाएगा 6x। अब क्या करना है, y इज इक्वल टू आएगा 28 माइनस 6x, अपॉन में आ जाएगा क्या 5। तो ये जो वैल्यू होगी वो y की वैल्यू होगी, हमने ली है। इसको हम इक्वेशन इसको आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो होगा, फर्स्ट से हमने बनाया, सेकंड में पुट कर दें तो सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पर y की वैल्यू का क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर कौन सा 2, इसमें इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 अपने पास है 8x माइनस 5y इक्वल टू 14। यहाँ पर आपकी जो y, ये आएगा 8x माइनस 5, y के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे तो 28 माइनस 6x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 14। अब दोस्तों देखना है, जब नीचे इसके नीचे 5 दिया है, बाहर भी आपके पास 5 है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं कि ये 5 से 5 आपका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या अपने पास जो बचेगा, आगे नंबर आएगा वो होगा क्या, एट एक्स, अब क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये 28 माइनस 28 और ये माइनस माइनस, जब ब्रैकेट होगा तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करने प्लस का 6x आ जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा इसमें कितना 14। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 8x और 6x दोनों नंबर प्लस के हैं, 8x प्लस 6x होगा कितना 14x इक्वल टू कितना 14 और 28 को पक्षांतर कर देंगे तो इस साइड आकर प्लस का होगा 28। अब हमें करना 14x इक्वल टू प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा आपका 42, तो x का वैल्यू होगा 42 अपॉन 14, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये x का वैल्यू आ गया दोस्तों कितना 3। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो वैल्यू आपको दी है, इस वैल्यू को आप पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन y इक्वल टू 28 माइनस 6x अपॉन 5, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां पर आपको जो आएगा y की वैल्यू 28 माइनस 6, लेकिन x की वैल्यू आपके 3 निकली है और नीचे कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 6 3 जा 18 अपॉन में कितना 5। माइनस करने से आपके पास आएगा नंबर कितना, y इक्वल टू 10 अपॉन 5, 5 टू जा 10, तो दोस्तों अपने पास y की वैल्यू आ जाती है y इक्वल टू 2। तो दोस्तों देखो, इससे भी सेम आंसर आया,
तो आई होप दोस्तों ये आपको मेथड पसंद आई होगी। हमने दोनों मेथड से सम सॉल्व किया है, तो आई थिंक समझ आ गया होगा। आगे इसके बाद ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आगे मैं सेकंड वीडियो में आगे के मेथड बताऊंगा। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।